गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकेंड स्टैंडर्ड 6. आई होप ऑल ऑफ यू एक्साइटेड टू लर्न ई लर्निंग. सो लेट स्टार्ट ऑन आवर चैप्टर सेकेंड. डू यू नो, क्या आप जानते हो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स ऑफ फूड? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इट मींस कंपोनेंट्स ऑफ फूड का क्या मतलब है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. फूड वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड एंड आइटम्स ईटन बाई आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत सारे फूड्स खाने को मिलते हैं एंड मार्क डिशेज ऑन इट्स मेक. और आप लोगों ने उन पर मार्क किया था, उन पर लाइनिंग की थी. अ मील फूड कंसिस्ट ऑफ चपाती, हमारा जो भोजन होता है चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी. अनदर मे बी राइस सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन, जो सभी बहुत सारी वेजिटेबल्स से मिलकर बना होता है. ऑफ लेडी फिंगर्स येट अनदर्स मील कुड बी अ पम फिश करी एंड वेजिटेबल्स. ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो बहुत सारे वेजिटेबल्स से मिलकर बना होता है. अब देखेंगे हम एक्टिविटी 1. आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट ऑन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. हमारा जो मील है, हमारा जो भोजन है, मील मीन्स होता है भोजन, मील मीन्स क्या होता है भोजन. हमारा जो भोजन है वो बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है. अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश इज मीट एंड वेजिटेबल्स. इट मे ऑल्सो इंक्लूडेड आइटम्स लाइक, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं और जितने भी डिशेज होते हैं वो बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स से मिलकर बना होता है. जैसा कि आपको इस टेबल में देखने को मिल रहा है कि कौन कौन सा भोजन है, कौन कौन सा फूड है जो कितने सारे इन्ग्रीडियंट्स से मिलकर बना होता है और वो कौन कौन से स्टेट में खाया जाता है, आपको इस टेबल में बताया गया है. नेक्स्ट हम देखेंगे कर्ड बटर मिल्क एंड पिकल. कर्ड बटर मिल्क एंड पिकल, जो कर्ड है, दही है, बटर मिल्क है एंड पिकल है, सम एग्जाम्पल ऑफ मिल्क. ये भी हमारे भोजन का एक एग्जाम्पल है. फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1. तो हम ये डिफरेंट रीजन डिफरेंट जगहों पे देखने को मिलता है. सेलेक्ट फूड आइटम यू डिपाइसेड ऑन द मैप इन चैप्टर फर्स्ट. आपको सेलेक्ट करनी है बहुत सारे फूड को एक मैप्स में. हाँ, एड सम मोर मिल्स टू दिस लिस्ट ऑफ एंटर रीजन इन टेबल 2.1. समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मिल. कुछ समय तक हमें, कुछ समय के लिए क्या होता है, हमें जो बहुत सारे वेराइटीज़, जो भोजन के बहुत सारे वेराइटीज़ है वो सभी जगह पर अवेलेबल नहीं होते हैं. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल. क्या हमारे लिए अवेलेबल होती है उस रास्ते पर जहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं सभी चीज़ें अवेलेबल होती है? नहीं. इट मे नॉट बी पॉसिबल, ये हमारे पॉसिबल नहीं होता है. फॉर सम ऑफ अस, कुछ जरूरी नहीं होता है. ऑफ इट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम, कि हम वेराइटी खा सकते हैं भोजन के, बहुत सारे वेराइटीज हम नहीं खा पाते हैं मोस्ट ऑफ देम टाइम, सभी समय पर. देर आर मस्ट बी सम रीजन शो वाई मील यूजली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स, क्या आप जानते हो कि हमारी बॉडी को ज़रूरी है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, बहुत तरह की फूड जरूरी है फॉर सम स्पेशल पर्पज, कुछ स्पेशल पर्पज करने के लिए, कुछ विशेष उद्देश्य से हमारे बॉडी को बहुत सारे भोजन की जरूरत होती है. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट, आपको डिफरेंट फूड के आइटम को बताने हैं जो यहाँ पे शामिल है. बहुत सारे डिश है, डिफरेंट फूड है जिसके कंटेंट, जिसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है. वी नो दैट इस डिश इज यूजुअली मेड ऑफ वन मोर वन इंग्रेडिएंट्स. आपको पता है कि जो हम घर पे जो हम खाना बनाते हैं उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जिसे जो हम कहाँ से पाते हैं, प्लांट या एनिमल से. दिस इज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. जी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है. दिस इज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन. इसी कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशंस, मतलब प्रोटीन. मेजर न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी फूड आर नेम. बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जिसके नाम आपको नीचे यहाँ पे दिए गए हैं. सबसे पहले होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारी क्या है, न्यूट्रिशन. ये सारे जितने भी मैंने बताया वो सारे न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती है. इन एडिशन फूड कंटेंट डायरेक्टली फाइबर एंड वाटर, जो हमारे बॉडी को डायरेक्टली फाइबर, हमारे बॉडी को फाइबर एंड वाटर पहुँचाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन, बहुत सारे ऐसे फूड है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन, मतलब बहुत सारे प्रोटीन पाई जाती है. विथ सम सैम्पल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर वी कुक फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट. तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, पके हुए भोजन
क्वेश्चन को लेंगे और उसमें से क्या क्या रॉ मटेरियल उसमें क्या क्या चीज़ डाली गई है वो हम चेक करेंगे। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपल एज कम्पेयर टू द टेस्ट। तो हम टेस्ट करते हैं उस पके हुए भोजन पर, टेस्ट करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स है कि नहीं। उस जो पका हुआ भोजन उसमें हम चेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स है कि नहीं, उस चीज़ को हम टेस्ट करेंगे। Let us do these tests and record all your observation। अब इस जितने भी हम चीज़ को टेस्ट करेंगे उसको हम रिकॉर्ड करके ऑब्जर्वेशन करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन। तो हमको नीड सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, इन सब सॉल्यूशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी इन सब चीज़ों को हम ये पके हुए भोजन को टेस्ट करने के लिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर, और हमें टेस्ट ट्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी। और हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। ड्राई डिजेस टेस्ट अनकुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल, जो भी फूड आइटम जो भी हम पका हुआ भोजन टेस्ट करेंगे उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल मतलब कौन कौन सी चीज़ें डाली गई है वो हम चेक करेंगे। टेबल 2.2 शो यू मे बी रिकॉर्ड टू ऑब्जर्वेशन, जैसा कि टेबल 2.2 में आपने देखा है कि वो ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है। शो यू मे वे रिकॉर्ड टू ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट, सम फूड आइटम्स आर गिवेन इन दिस टेबल, कुछ टेबल पे आपको सम फूड दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विच डिश ऑफ एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड नॉट ट्राई द इट टेस्ट एंड केमिकल। आपको ये फूड को केयरफुली देखना है और इस टेस्ट करना है किसके द्वारा, केमिकल, जो हम लोगों ने केमिकल लिया उस केमिकल से आपको टेस्ट करनी है। इफ़ द रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम, इसको हम रिक्वायरमेंट को रेडीमेड नहीं लेंगे, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो, आपको ये टीचर्स प्रिपेयर करके देगी। कौन देगी, टीचर्स कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो। नेक्स्ट, लेट अस बिगिन इन टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम, अब हम लोग टेस्ट करेंगे डिफरेंट फूड आइटम्स को। इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, अब हम देखेंगे कि कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। दिसेज आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी, जो मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबसे मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी, कहाँ पर पाया जाता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारी बॉडी में क्या होता है पाया जाता है। आर इन अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इज कंटेन स्टार्च, तो ये कार्बोहाइड्रेट को जब हम सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। इंडिकेट दैट कंटेन स्टार्च, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्च बोलेंगे। कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, कौन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम इन फाइन आउट विच डिशेज कंटेन स्टार्च, अब हम दूसरे फूड पर इसको टेस्ट करेंगे कि उसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है कि नहीं। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, और सबको आपको ऑब्जर्वेशन को टेबल में 2.2 में बताया करना है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब प्रोटीन की मात्रा को टेस्ट करेंगे कि कौन से फूड में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, एक स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, कुछ मात्रा, स्मॉल क्वांटिटी मतलब होती है कुछ मात्रा में क्या लेंगे, फूड लेंगे आइटम फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट टू इट सॉलिड, अगर वो सॉलिड में हो, अगर वो कड़ा हो तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट, उसको हम पेस्ट मतलब पाउडर बना लेंगे। अगर कोई भी फूड को लेंगे अगर वो सॉलिड है तो उसको हम पाउडर बना लेंगे। इट ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी, तो उसको क्या कर देंगे, ग्राइंड मतलब मिक्स कर देंगे एंड मैश कर देंगे, मसल देंगे इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी सी क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑफ द फूड आइटम, और फूड आइटम में फूड सम ऑफ दिस इज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसके बाद उसको कहाँ पे डाल देंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। एंड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें कितने ड्रॉप डालेंगे वाटर, 10 ड्रॉप्स, एंड इट इज शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसको शेक करेंगे मतलब मिलाएंगे। ना यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अब उस ड्रॉपर में हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डाल देंगे, कितने, 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा, और कितने ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन डालेंगे कॉस्टिक सोडा के, 10 ड्रॉप टू द टू द टेस्ट ट्यूब शेक विल एंड दिस द टेस्ट ट्यूब स्टैंड ऑफ फ्यू मिनट्स, और उसको हम फ्यू मिनट्स के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे, किसको, टेस्ट ट्यूब में शेक करने के बाद उसको 10 मिनट्स तक छोड़ देंगे। वट डू यू सी, क्या आपने देखा, वट डू यू सी, क्या आपने देखा, डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायोलेंट, तो उसका कलर कैसा होगा, वायोलेंट कलर का हो जाएगा। अ वायोलेंट कलर इंडिकेट प्रेजेंट इन प्रोटीन, वायोलेंट कलर क्या दर्शाता है कि प्रोटीन की मात्रा उस फूड में है।
नाउ यू कैन रिपीट दैट टेस्ट ऑफ अदर फूड आइटम. अब हम इसको फिर से दूसरे फूड आइटम में हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा, टेक अ फैट्स. टेक अ फैट्स, अब कौन सी मात्रा में, कौन सी भोजन में फैट्स की मात्रा पाई जाती है. टेक अ फैट्स, टेक अ फैट्स मीन्स होता है कि कौन सी मात्रा में आपको, कौन से भोजन में फैट्स की मात्रा पाई जाती है. टेस्ट फॉर फैट, फैट मत देखेंगे कौन से फूड में आपको फैट पाया जाता है. फैट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम. फिर से हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे फूड आइटम का, उसको कर देंगे रैप इन ए पीसेज ऑफ पेपर और उसको रैप कर देंगे, किससे, पेपर से रैप कर देंगे. एंड क्रश इट, और उसको मसल देंगे. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर. टेक केयर रखेंगे कि पेपर ना फटे. नाउ स्ट्रेटली द पेपर एंड ऑब्जर्वर, उसके बाद हम पेपर को खोलेंगे. इट केयरफुली, केयरफुली से खोलेंगे. डज इट हैव ऑयली पीचेस, ऑयली पीचेस मतलब होता है तेल की दाग पड़ जाएगी, किस पे, पेपर पे. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, उसके बाद हम पेपर को कहाँ पे लाएंगे, लाइट में. आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रेंटली थ्रो द पैचेस, पैचेस मतलब होता है लाइनिंग, ऑयल की लाइनिंग आपको दिखने को मिलेगा. एंड ऑयली पैचेस ऑन पेपर शो द फूड आइटम्स कंटेंट फैट, तो ऑयली जो पैचेस पड़ जाएगी वो उसको उससे क्या पता चलेगा कि भोजन में क्या है, फैट की मात्रा पाई जाती है. द फूड आइटम्स एनी सम टाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, उसके बाद उसमें क्या डाल देंगे हम, लिटिल वाटर, लिटिल वाटर मतलब थोड़ा सा वाटर उसमें डाल देंगे. देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब, उसके बाद उसको रब कर देंगे. एंड आइटम ऑन पेपर्स, ई लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, उसके बाद कुछ देर के बाद हम पेपर को सूखने के लिए छोड़ देंगे. इफ देयर इन वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, उसके बाद हम जब वाटर से फूड को बाहर निकालेंगे, इट वुड ड्राई अप, उसके बाद वो सूख जाएगा. आफ्टर सम टाइम इफ नो ओनली पैचेस, तब देखेंगे कि इसमें से कोई ओनली, नो ओनली पैचेस, उसमें कोई दाग आपको देखने को नहीं मिलेगा. शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अब उसमें कोई भी फैट नहीं है. व्हाट डू दिस टेस्ट शो, अब आपको टेस्ट शो करना है. आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम, तो आपको फूड आइटम में क्या क्या देखने को मिली, फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट सभी फूड आइटम में आपको यहाँ मिलती है. डज अ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन ऑन न्यूट्रिशन, डू यू फाइंड योर फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस इज न्यूट्रिशन. वी टेस्ट फूड आइटम फॉर दिस इज न्यूट्रिशन, अब आपको टेस्ट करनी है कि फूड आइटम में न्यूट्रिशन हुई है, प्रोटीन की मात्रा पाई गई है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट पाया गया है कि नहीं, प्रोटीन पाया गया है कि नहीं, फैट्स पाया गया है कि नहीं. देर आर ऑल्सो अदर, और बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं हमारे फूड में, जैसे कि लाइक अ विटामिन, मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स दैट आर द प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम. वाई डू नीड ऑल न्यूट्रिशन, जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन टू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिशन पाई जानी चाहिए. व्हाट डू यू वेरियस, कौन कौन से वेरियस न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन पाई जानी चाहिए. कार्बोहाइड्रेट मेन प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है क्या, एनर्जी हमारी बॉडी को. फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमारी बॉडी को क्या, ऊर्जा देती है. इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी, फैट जो होती है वो मोर एनर्जी देती है हमारी बॉडी को कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होती है. फूड कंटेनिंग, जो फूड कंटेनिंग में पाया जाता है. फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, किसको बोलते हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट को, और ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, प्रोटीन भी हमारे क्या होती है, ग्रोथ करने के लिए मदद करती है हमारी बॉडी को. एंड रिपेयर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को रिपेयर करती है फूड. फूड कंटेन प्रोटीन और ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो बॉडी बिल्डिंग फूड होती है. कौन, प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है, प्रोटीन. विटामिन हेल्प इन प्रोटीन इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ एंड जम्स हेल्दी, विटामिन जो होती है वो हमारी आइज बोन्स एंड टीथ को हेल्दी बनाती है. विटामिन आर द डिफरेंट काइंड नो ऑफ डिफरेंट नेम, विटामिन जो होती है वो बहुत तरह के नामों से जानी जाती है, डिफरेंट नेम से जानी जाती है. सेम सम ऑफ डिजीज आर विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये बहुत सारे नाम से जानी जाती है. डिजीज आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होती है वो भी कई नामों से जानी जाती है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम की भी एक विटामिन होती है. आवर बॉडी नीडेड ऑल टाइप विटामिन,
हमारी बॉडी को बहुत सारी विटामिन की ज़रूरत होती है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए जो होती है वो हमारे क्या करती है, स्किन और आइज को क्या करती है, हेल्दी रखती है। विटामिन सी जो होती है वो क्या करती है, बॉडी ऑफ फाइट अगेंस्ट, हमारी बॉडी में जो भी डिजीजेस होती है उसे लड़ने में क्या करती है, मदद करती है। विटामिन डी जो होती है वो क्या करती है, हेल्प अस आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम, हमारी बॉडी में क्या करती है, कैल्शियम डालती है, कैल्शियम लाती है और बोन संतित बोन संतित को कैल्शियम देने में मदद करती है, जिसके अनावर बोन संतित मजबूत हो सके। फूड दैट आर रिच, फूड जो होती है दैट आर रिच डिफरेंट विटामिन, फूड जो होती है वो हमारी बॉडी में बहुत तरह के विटामिन पहुँचाती है। मिनरल्स आर नीडेड टू बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट ऑफ इच एज इसेंशियल, बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ, जिसके कारण हमारी बॉडी जो होती है वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके, मतलब प्रॉपर ग्रोथ मतलब होता है अच्छे से बढ़ सके, एंड मेन गुड हेल्थ जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंस मिनरल्स आर शो इन फिगर 2.10। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन अनोन न्यूट्रिशन, यू मे हैव नोटिस दैट विल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हाउएवर अ गिवन रॉ मटेरियल्स, क्या आप जानते हो कि गिवन रॉ मटेरियल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। रॉ मटेरियल्स मतलब बहुत सारी ऐसी कच्चे चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी जरूरी होती है। वन पार्टिकुलर न्यूट्रिशन मे बी प्रेजेंट इन मच लार्ज क्वान्टिटी देन द अदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइस एंड मोर कार्बोहाइड्रेट, राइस जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। दैट अदर न्यूट्रिशन दस विशे दैट राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, रिच पहुँचाता है, सोर्सेज ऑफ फूड का मुख्य स्रोत होता है। बिसाइड दिस न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीडेड डाइटी फीबर फाइबर्स एंड वाटर। डाइटी फाइबर्स और ऑल्सो नो इज रफ, रफ कहलाता है, रफ इज मेनली प्रोवाइड, रफ जो होता है, रफ जो होता है वो मेनली प्रोवाइड करता है प्लांट प्रोड्यूस इन आवर फूड, जो फूड को प्रोड्यूस करता है प्लांट, जैसे कि होल ग्रेन एंड पल्सेस, जैसे कि जितने भी ग्रेन और पल्सेस है, जितने भी ग्रेन और पल्सेस की चीज़ें, जैसे कि पल्सेस है, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स है, ये सब में क्या होती है, रफ होती है। ये मेन सोर्सेस ऑफ रफ, ये मेन सोर्सेस है रफ का, मतलब जिसकी ऊपर की जो छिलके होते हैं वो हम हटा के उसको खाते हैं उसको बोलते हैं रफ, उसको क्या बोलते हैं, रफ। डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन, रफ जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को, बट इज इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर फूड, बट ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसके लिए, हमारे फूड के लिए, हमारे फूड के लिए, आवर फूड के लिए, एड टू इट्स ब्लग, और जो हमारे फूड को क्या करता है, ब्लग थोक मतलब हमारे फूड को कवर करता है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड अनडाइजेस्ट फूड, जो हमारे बॉडी को कि अनडाइजेस्ट फूड जो है, जो पचा हुआ खाना नहीं है उसको पचाने में मदद करता है। वाटर हेल्प अस आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, वाटर भी हेल्प करता है हमारी बॉडी में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, न्यूट्रिशन को, फॉर फूड से कौन, वाटर। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड सीट, उसके बाद जो वाटर होती है वो क्या करती है, सारे वेस्ट चीज़ होती है वो यूरिन के द्वारा, वो मूत्र वाहिनी के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीडेड, तो हमें हमारे बॉडी के लिए क्या ज़रूरी होती है, वाटर बहुत मात्रा में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है फ्रॉम अ लिक्विड वी ड्रिंक, जो हम पीते हैं, जैसे कि सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, हमारी बॉडी में क्या करती है, वाटर को हमारी बॉडी में पहुँचाती है। एंड एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक फूड, जब हम कोई भी फूड बनाते हैं, कुक फूड मतलब जो भी हम कोई फूड बनाते हैं उसमें भी क्या ज़रूरी होती है, उसमें वाटर की ज़रूरत होती है। लेट अस सी इफ देयर इन एनी अदर सोर्सेज, तो ये सारे क्या है, सोर्सेस है विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड जो देते हैं हम वाटर हमारी बॉडी को, इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं वाटर। अब देखेंगे एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, हम टोमेटो लेंगे एंड लाइक अ लेमन लेंगे, कट इंटू स्मॉल पीसेस, उसको स्मॉल पीसेस में काट देंगे, किसको, टोमेटो किसको काट देंगे स्मॉल पीसेस में हम काट देंगे किसको, टोमेटो एंड फ्रूट को, फ्रूट लाइक लेमन को, कट इंटू स्मॉल पीसेस, किस में काट देंगे, स्मॉल पीसेस में कट कर देंगे। डू यू हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, तो आप लोगों ने अपने हाथ देखा कि वेट सूखा हुआ है जब हम उसको काटेंगे। केयरफुल ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड ब्रिंग आउट, जब हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल को कट करते हैं, पिल्ड करते हैं मतलब उसको छीलते हैं, पिल्ड मतलब होता है छीलना, कोई भी वेजिटेबल फ्रूट को छीलते हैं या ग्रेटेड करते हैं, ग्रेटेड मतलब होता है कसना, कसते हैं उसको, मैश करते हैं मतलब मिलाते हैं, एट योर होम अपने घर पे डू यू फाइंड द फ्रेश वेजिटेबल, क्या आप फ्रेश वेजिटेबल को फाइंड करते हो, कि दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ, उसमें कोई भी वाटर नहीं पाया जाता है। वी सेड देयर मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन इन वाटर टू सम एक्सटेंट,
our body needed our meat by this is water. Apart from this we also add water while cooking many food item. तो हम कोई भी फूड बनाने के लिए हमको क्या करते हैं, पानी की मात्रा उसमें डालनी पड़ती है. थिंक दैट वॉट इज़ वी नीड अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंडेड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में. बैलेंस डाइट के बारे में होता है, बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित आहार, जो हमें पूरी भोजन को खाने के बाद जो मिलता है उसको संतुलित आहार बोलते हैं. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे टू इन आवर डाइट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन. जो हम नॉर्मली फूड खाते हैं वो हमारे डाइट को क्या करता है, मेंटेन करता है और गुड हेल्थ, हमारे हेल्थ को गुड रखता है. आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिशन, सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो भी हम रोज का खाना खाते हैं. दैट आवर बॉडी नीड, जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है. इन राइट क्वांटिटी, जो हमें सही मात्रा में लेनी चाहिए बैलेंस डाइट को. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. द डाइट शुड बी कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफ एंड वाटर सच अ डाइट कॉल्ड बैलेंस डाइट. इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं. डू यू थिंक पीपल ऑफ ऑल एज ऑफ सेम टाइप ऑफ डाइट, डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीडेड फॉर बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. आप लोग जानते हो कि हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, फिजिकल वर्क करने के लिए, हम अपनी बॉडी से अच्छे से वर्क कर सकें. इसलिए हमें प्रचुर मात्रा में, हमें अच्छी मात्रा में अपनी भोजन रखनी चाहिए. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ ए. आपको एक चार्ट बनानी है कि अब वीक में क्या क्या खाते हो. चेक द वेदर ऑल द न्यूट्रिशन मेट्रिक प्रेजेंट इन ऑन अदर फूड आइटम वीक ईटन विद डे और सो. जैसा कि हम आपको बताया था कैसे चेक करना है अपने पके हुए भोजन को, बहुत सारे सॉल्यूशन डाल के, कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स है कि नहीं, आप जो भोजन ले रहे हो उसमें इन तीन चीज है कि नहीं. पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्पॉटेड सीड्स, फट मेड फूड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, बनाना, स्पिंच वेजिटेबल अवेलेबल एंड द अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिशन. ये सारे जितने भी फूड है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन देते हैं हमें, किसको, हमारी बॉडी को. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड. इसलिए हमें क्या खाना चाहिए, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड बी अ कुक्ड properly so that a nutrition are not lost. Are you aware that some nutrition get lost process of cooking and preparation? कोई भी चीज़ को, कोई भी फूड को जब हम खाते तो उसको अच्छे से पका के खाना चाहिए. If the vegetable and fruits are washed with cutting and peeling them, जब भी हम कोई वेजिटेबल और फ्रूट काटते हैं तो क्या करते हैं, उसको अच्छे से वॉश करके ही, उसको छील के ही खाना चाहिए. नेक्स्ट अब हम देखेंगे, मे रिजल्ट इन दिस लॉस ऑफ सम विटामिन एंड स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल. सिमिलर रिपीट वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम. कोई भी चीज़ों को हमको धो के खाना चाहिए, कोई भी चीज़ों, जो भी वेजिटेबल या फ्रूट को होते उसको वॉश करके ही हमको खाना चाहिए. वी ऑल नाउ दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट. जब हम कोई भी फूड को क्या करते हैं, कुक करके खाते हैं तो वो हमें पचाने में क्या करता है, अच्छे से पच जाता है. एट द सम टाइम कुकिंग ऑल्सो मेनी यूज वाली प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट ऑफ एक्सेस वाटर यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंटर देम थ्रो अवे. तो क्या होता है, हम कोई भी फूड को क्या करते हैं, कुक करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर हम उसमें डालते हैं. विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुक. विटामिन सी जो होता है वो हीट करने से क्या होता है, ड्यूरिंग कुकिंग हीट ज़्यादा गर्म करने से क्या होता है, डिस्ट्रॉय, टूट जाता है. वुड बी नॉट बी सेंसिबल इंक्लूडिंग फॉर फूड एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट. अब देखो, भूसो थोड़ द फैट वुड बी द बेस्ट फूड्स. भूजो जो है वो बहुत मोटा है, वो बेस्ट फूड नहीं लेता है ऑल द टाइम. कचोरी ऑफ फैट इन गिव मच मोर एनर्जी. वो हमेशा कचोरी खाते हैं क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया, बहुत सारे फैट्स उसमें होते हैं. मच ऑफ एनर्जी देन कचोरी एंड कार्बोहाइड्रेट्स. रिच फूड डिस्टेंस इट सो ही नोटिस, बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा. जैसे कि हम फ्राइड फूड, जो फ्राइड किए हुए भोजन जो खाते हैं, जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेंडा, ये सब में क्या होता है, बहुत सारे फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है. डू यू थिंक ही वॉज राइट, नो योर कोर्स डू यू कैन बी वेरी हार्मफुल. जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, यूज टू ईट टू मच रिच फैट्स फूड एंड वी कैन एंड अप सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी, जिसके कारण हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं. ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापे का शिकार होना. ओबेसिटी मतलब होता है जब हम फैट्स वाले भोजन खाते हैं तो क्या होता है, हम ओबेसिटी मतलब मोटापे का शिकार हो जाते हैं. अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिफिशेंसी ऑफ डिजीज. डिफिशेंसी ऑफ डिजीज मीन्स होता है, डिफिशेंसी ऑफ डिजीज मतलब कमी के रोग जिसके कारण हमें रोग होते, कौन सी चीज़ से हमें कौन सी कमी से क्या होता है, हमारी बॉडी को कौन से रोग होते. अ पर्सन मे बी गेटिंग
इनफ फूड टू ईट। पर्सन जो होते हैं अगर अच्छे से भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिशन, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। इफ़ दी कंटेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड एट टाइम द पर्सन मे डिफरेंस सफे, तो वो क्या करेगा, रोग से हमेशा लड़ता रहेगा। डिफिशेंसी वन मोर देन न्यूट्रिशन कैन कॉज डिजीजेस और डिस्ट्रॉय अवर, और हमारी बॉडी क्या अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशन, क्या हम क्या हो गया, बीमारी की कमी के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड का डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिशन डिजीज, अगर लॉन्ग पीरियड तक अगर ये बीमारी रहे तो क्या होगा, हम रोगों के रोगाणुओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन हर लॉन्ग टाइम लाइकली हैव स्टडन ग्रोथ स्लिंग ऑफ फेस डिस्ट्रॉयड ऑफ हेयर स्किन डिजीज, बहुत सारी स्किन डिजीजेस होगी, हमारी शरीर पतला हो जाएगा, हमारी बॉडी से कोई वर्क नहीं होगा। इफ़ द डाइट ऑफ डिफिशेंसी बोथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऑफ ए लॉन्ग पीरियड, तो हमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अगर सही समय पर ना मिले तो हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी थिन लीन, वो पतला हो जाएगा, सो वीक हो जाएगा, मे टू इवन टू एबल टू मूव, और ना हो तो वो मूव कर सकेगा। इसलिए बोला जाता है कि हमें जब भी फूड लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा होनी ही चाहिए। डिफिशेंसी और डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में भी ऑल्सो रिजेक्ट क्रिएशन डिजीज एंड डिसऑर्डर्स सम डिजीज मेंशन इन टेबल 2.3। ऑल डिफिशेंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट ऑफ टेकिंग अ बैलेंस डाइट। इन द चैप्टर वी आस्क आवर सेल्फ रीजन वाई वीकली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ ए कॉमन्स। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे बहुत सारे विटामिन के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे जो मैं टिक कर रही हूँ वहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे विटामिन के नेम दिए गए हैं, वो आपको विटामिन के नेम क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखनी है, और सारे विटामिन के जितने भी नेम दिए गए हैं वो आपको 2 times अपने नोटबुक में टेबल बना के लिखनी है। और नेक्स्ट आपको दूसरा वर्क ये करना है कि जो आपको यहाँ पे की वर्ड्स दिए गए हैं, जो यहाँ पे की वर्ड्स दिए गए हैं वो आपको अपनी बुक में 3 times करके ये वर्ड्स को लर्न करके लिखनी है, जिसके कारण आपको चैप्टर अच्छे से समझ